हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पजल। चलिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं। ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिए हैं वो मैट्रिक्स आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको बताने कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो में आपके पास पहला नंबर दिया गया है 1, नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया गया 2, नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया गया है 4 दिया गया है। उसी तरह अगर आप रो 2 को देखोगे तो रो 2 में आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है 2, सेकंड नंबर आपके पास दिया गया है 4, नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया गया है 8 दिया गया है। और उसी तरह अगर आप रो 3 को देखोगे तो फर्स्ट नंबर आपके पास 5 है, नेक्स्ट नंबर आपके पास 10 है और आपको वहीं पर बताना है कि रो 3 के लास्ट नंबर आपके पास कौन सा होगा और आपको यहीं पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका यहाँ पर आपके पास कौन सा नंबर आएगा। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स में आपको अगर आप फर्स्ट रो को देखोगे तो पहला नंबर आपके पास दिया गया है 1, उसके बाद आपको दिया गया है 2, यानी कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वहाँ 1 का यहाँ पे डबल हुआ है यानी कि 2 हुआ है। उसी तरह अगर आप सेकंड नंबर देखोगे वो आपका 2 है और उसके बाद नंबर दिया गया है 4 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास 2 का डबल हुआ है जो कि आपका इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। 4 आपको दिया गया है थर्ड नंबर पे दिया गया है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिए गए हैं सेकंड रो, सेकंड रो में फर्स्ट नंबर आपके दिया गया है 2, उसके बाद दिया गया है 4, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास क्या हुआ है 2 का डबल हुआ है जो कि आपका होता है 4। उसी तरह अगर आप नेक्स्ट नंबर देखोगे जो कि आपके पास 4 है, उसके बाद आपके पास दिया गया है 8 दिया गया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास 4 का डबल हुआ है जो कि आपका इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर लेना है, उसके बाद जो सेकंड नंबर दिख रहे हैं वो आपके पास उसका डबल है और थर्ड पे आपके पास उसका और डबल हो जाएगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे रो 3 को देखोगे तो पहला नंबर आपका 5 है और नेक्स्ट नंबर आपका 10 दिया गया है, यानी कि इसका यहाँ पे डबल हुआ है। उसी तरह अगर आपको थर्ड नंबर निकालना है तो यानी कि आपको सेकंड नंबर का डबल लेना होगा, यानी कि आपको 10 का डबल करना होगा जो कि आपका इक्वल होगा 20 के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या आएगा 20 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।